जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। अगर इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी कोच के थी तो इनको पहले आना चाहिए था। कोई छोटे बच्चे नहीं है, हम एक सीनियर एथलीट हैं, हम अपने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 से 15 साल से इंटरनेशनल लेवल पे, तो कोई हमें ऐसे बुला नहीं सकता। हमारे साथ कुछ हुआ है तो हम आए हैं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, एक समय था जब ये नाम सबकी जुबान पर रहते थे क्योंकि भारत की शान ये पहलवान देश के लिए मेडल्स पर मेडल्स जीत रहे थे। यही नाम पिछले कई दिनों से फिर चर्चा में है, लेकिन फर्क है, फर्क ये है कि अब ये मेडल जीतने की नहीं, मेडल त्यागने की बातें कर रहे हैं। फर्क ये है कि अब ये जीत की खुशी मनाते नहीं बल्कि निराश और नाराज हैं। वजह भी छिपी नहीं है। डिमांड इनकी सिर्फ एक है, महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोपी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, उनको WFI के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। देखिए, जो बृजभूषण है वो पॉलिटिक्स पावर अपने यूज कर रहा है, वो क्योंकि गवर्नमेंट में वो खुद सांसद है तो शायद सरकार भी उनको बचाने का काम कर रही होगी और वो अपने पैसे का भी यूज कर रहा होगा। उनके पास बहुत हथियार है यूज करने को, हमारे पास तो एक सच्चाई है। हमेशा सच्चाई का जीवन जिया है, हमेशा सच्चाई के साथ कुश्ती की है, लेकिन अब सब ये आके पूछते हैं कि क्या रहा, आपकी तो कंप्लेंट झूठी थी, आप ये थे, तो ये झूठे का टैग लेके हम नहीं रह सकते, ना हम जी सकते, ना हम कुश्ती कर सकते, क्योंकि हमेशा सच्चाई का जीवन जिया है और उस सच्चाई की जीत के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ 18 जनवरी 2023 को मोर्चा खोला था और 4 महीने से ज्यादा गुजरने के बाद इस केस में कई उतार चढ़ाव, कई हिंसक और कई इमोशनल पल सामने आए। तो आइए जानते हैं तब से अब तक क्या क्या हुआ। जनवरी, 18 जनवरी 2023, यही वो तारीख है जब भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए गए। 18 जनवरी को देश के प्रमुख पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद की। 23 जनवरी 2023 को अनुराग ठाकुर ने जांच के लिए 5 सदस्यीय निरीक्षण समिति बनाई। पहलवान इसी के साथ जंतर मंतर छोड़कर चले गए और इंसाफ का इंतजार करते करते जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च और मार्च से अप्रैल हो गया। निरीक्षण समिति बनने के ठीक 3 महीने बाद 23 अप्रैल 2023 को कमेटी की जाँच पर सवाल उठाते हुए महिला पहलवान दोबारा जंतर मंतर पहुंची और धरना प्रदर्शन देने पहुंच गई। 24 अप्रैल 2023 को पहलवानों ने दिल्ली पुलिस में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज की, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। हालांकि 28 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दूसरे मामलों में FIR दर्ज कर ली। बृजभूषण के खिलाफ FIR तो दर्ज हो चुकी थी, लेकिन पहलवानों की मांग थी कि अब जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। मई के पूरे महीने में जंतर मंतर पर काफी अफरा तफरी रही। 3 मई 2023, 3 मई की रात पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हुई। 7 मई 2023, महिला पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत आ गई। 8 मई 2023, कई प्रदेशों के किसान संगठन समर्थन करने जंतर मंतर पहुंच गए। 11 मई, नाबालिग महिला पहलवान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाया। वहीं खिलाड़ियों ने सिर पर काली पट्टी बांधकर ब्लैक डे मनाया। बृजभूषण शरण सिंह नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए तैयार हुए, साथ ही शर्त रखी कि उनके अलावा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी ये टेस्ट करवाएंगे। 28 मई 2023, रविवार का वो दिन जब एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ पहलवानों ने बिना इजाजत के संसद की ओर मार्च निकालने का फैसला कर लिया। पुलिस ने रोका लेकिन पहलवान आगे बढ़ते रहे। लाठीचार्ज हाथापाई हुआ, ये तस्वीरें वायरल होने लगी। पहलवानों ने दिल्ली पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया और पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली पुलिस ने सभी पहलवान यानी बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के खिलाफ FIR दर्ज की। फिर आया 30 मई 2023, पहलवानों ने खुला ऐलान किया कि वो अपने जीते हुए सभी मेडल्स को हरिद्वार में माँ गंगा में बहा देंगे। हालांकि किसान नेता नरेश टिकैत ने सभी को रोककर उनके मेडल अपने पास रख लिए। इस दिन विवाद के बीच रेसलिंग के सबसे बड़े संगठन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी ऐलान कर दिया कि अगर 45 दिनों के अंदर भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव नहीं हुए तो WFI को आगे के मैच के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। तो बस अब देखना ये होगा कि क्या अगले 45 दिन में वाकई बृजभूषण सिंह को WFI के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा या पहलवानों की ये जंग
अभी बाकी है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किसी ने कहा है आंधियां जहां उमंग नहीं भक्ति है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, सोनित के बदले सोनित माने अत्याचार, सोनित के बदले अश्रु जहां बहता है अन्याय की, सोनित के बदले अश्रु जहां बहता है वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है।